कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसके भरम लेकर लग रहा था कि वो स्क्रीन पे दिखाए जाने वाली इस बड़ी सी होटल का चेयरमैन हो, मगर कुछ देर बाद वो ये करने लगता है। एक शामन डांस था जिससे हमें पता चलता है कि वो एक शामन है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम आ गए हैं एक और वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैफे मनामना के एपिसोड 1 और 2 को। ये ड्रामा अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है और स्ट्रीमिंग के लिए नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो हमारी मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी है एक शामन कम डिटेक्टिव हान जुन की, एक बहुत फेमस शामन जिसकी सोर्स ऑफ इनकम है ये कैफे, जहां लोग सिर्फ कॉफी पीने नहीं आते बल्कि यहां कुछ लोग अपने मसले लेकर आते हैं जिसे हमारे शामन बाबा सॉल्व कर देते हैं। नाम हान जुन असल में कोई शामन नहीं है, इसके पास 3 लोगों की टीम है। नाम है जुन, जो कि एक कमाल की हैकर है, तो सारे क्लाइंट इंफॉर्मेशन और हैकिंग वाले काम सब यही हैंडल करती है। मोर ओवर है जुन हान जुन की छोटी बहन भी है। गोंगसो चुन जो दिखने में काफी हैंडसम है, लेकिन ये जब भी अपना मुंह खोलता है तो बस सारा स्टैंडर्ड निकल जाता है। मस्कुलैरिटी दिखाने वाले काम जैसे किसी को पकड़ना, पीछा करना या लड़ाई करने जैसी चीजों में ये लड़का एक्सपर्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जोनाथन ये पार्ट टाइमर है और अभी इसकी स्किल्स के बारे में कुछ पता नहीं क्योंकि ये कम ही दिखता है। टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को ही कवर करूंगी जिसका स्टोरी से कोई लिंक हो या कोई मेजर केस हो। छोटे केस या हर कैरेक्टर के बीच की बातचीत को कवर नहीं कर सकेंगे क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ समझ नहीं आता। नाम हान जुन असल में होटल की CEO की हेल्प कर रहा होता है एक अच्छे ब्रांच मैनेजर को सिलेक्ट करने में, जहाँ वो होटल प्रेसिडेंट को इविल बताता है। वो बताता है कि इसने अपनी सेक्रेटरी को सेक्सुअली असल्ट करा था जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली। CEO हान जुन पे बिल्कुल अंधा भरोसा करती है, इसीलिए वो फौरन से प्रेसिडेंट को अपनी होटल से निकाल देती है। हमें पता चलता है कि हान जुन ने ये सब अपनी एक क्लाइंट के लिए करा था जो कि उस सुसाइड वाली लड़की की बहन थी। हान जुन इसे कहता है कि प्रेसिडेंट को सजा दिलवाने में उसकी मरी हुई बहन की स्पिरिट ने मदद की। एंट्री होती है फीमेल लीड हान जे हुई की, जो कि मेजर क्राइम डिविजन 7 की डिटेक्टिव और टीम लीडर है। जे ही ने अभी ही इस टीम को ज्वाइन करा है जिसके साथ 3 और लोग भी काम करते हैं। नागवांग ते एक एक्सपीरियंस्ड कॉप है और अभी ही न्यू रिक्रूट के तौर पर इनका डिपार्टमेंट ज्वाइन करा है। जंग डोजन जे हुई से पहले इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे और ये एक सीनियर मेंबर है। डोजन बाकी एम्प्लॉयज को बता रहा होता है, हमें भी पता चलता है लोग जे हुई को दी घोस्ट नाम से जानते थे क्योंकि कई बार जे हुई अकेले ही बड़ी बड़ी गैंग से लड़ाई करके आई है और हर बार यही जीतती है। सुपर ह्यूमन की तरह तेज भागती है और इसकी जो हरकतें हैं वो एक नॉर्मल इंसान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। होटल की CEO हान जुन की रेगुलर क्लाइंट है और वो हर बात का मशवरा उसी से लेती है, तो वो फिलहाल हान जुन को फोन करके बताती है कि उसके हस्बैंड का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो रहा है, वो किसी बात की वजह से परेशान लग रहा है। हान जुन है जुन और सोचुल फौरन से अपनी रिसर्च करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है शिन ग्योंग हू ने किसी बाइक पे सवार लड़के को उड़ा दिया है। गाड़ी में ग्योंग हू के साथ एक औरत भी थी, उन दोनों ने इस आदमी को गाड़ी में डालकर एक ब्लाइंड स्पॉट पे छोड़ दिया था। हे जुन अपनी ट्रैकिंग स्किल से वो स्पॉट ढूंढ लेती है। ये लोग कॉल करके पुलिस को वहां बुलाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए जे हुई आती है। जुनहू उसे पहली बार नहीं देख रहा था एक्चुअली, जिस प्रेसिडेंट को शुरू में दिखाया था वो आदमी भाग रहा होता है और जे हुई ने बहुत ही ज्यादा तेज भागकर उसे पकड़ लिया था। हान जुन ने ये सब अपने लैपटॉप में देखा था और तभी से ही वो जे हुई का फैन हो गया था।
जानती तो जे हुई भी थी उसे। एक्चुअली वो हांजन से नफरत करती है क्योंकि पता शायद आने वाले एपिसोड्स में अच्छे से चल जाए तो फिर हम इस वीडियो में भी ऐड कर देंगे। जे हुई यहाँ ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो हांजन को नहीं जानती, वो उसे ढोंगी समझती है, इसीलिए रिसर्च करने के लिए हांजन के घर के बाहर पूरा ट्रैश ले जाती है। जॉनिथन ने देख लिया था इसीलिए ये बाकी सबको जाकर बता देता है। फिर चारों जेही के पीछे भागते हैं पर जेही अजीब तरह से दीवार पलांगते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे देखकर चारों बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं, उसे घूस समझकर सब भाग जाते हैं। जे हुई इस केस को अपनी टीम के साथ सॉल्व करने की कोशिश करती है। उसे कल्प्रिट की गाड़ी का नंबर पता चलता है, जिससे ये भी पता चलता है कि गाड़ी शिन योंगू के नाम पे रजिस्टर्ड थी। जोजन बताता है कि इस आदमी पे पहले भी बहुत सारे केस बन चुके हैं। कुछ टाइम पहले एक लड़की के मर्डर के केस में भी इसे अंदर डाला गया था, मगर विक्टिम को ही ड्रग एडिक्ट प्रूफ करके शिन योंग को छोड़ दिया गया था। हांजुन अब शिन योंग के घर आता है जो उसे डरा कर बोलता है तुम्हारे गुनाहों का क्लास अब फुल हो चुका है, अगर तुमने एक और ऐसी हरकत की तो सब खत्म हो जाएगा। हांजन उस लड़की का नाम लेता है जिसका शिन योंगू ने मर्डर करा था। वो कहता है कि इस औरत की स्पिरिट तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। वो बहुत सारी चीजें एकदम सही बताता है, जैसे योंगू ने उसे कैसे मारा था, एविडेंस कैसे मिटाए थे, जिससे शिन योंगू को यकीन हो गया था कि हांजन सच में पहुंचा हुआ शामन है। असल में तो हांजन ने इन लोगों पे पूरी रिसर्च करी हुई थी, जिससे उसने ये अंदाजा लगाया था कि योंगू ने मर्डर कैसे करा होगा। ये आदमी हांजन को कहता है कि वो उसे इस बार माफ कर दे, वो दोबारा फिर कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। जिसपे हांजन बोलता है कि वो उसे अपनी गाड़ी और उसमें लगा हुआ कैमरा दे दे तो बाकी सिचुएशन वो खुद हैंडल कर लेगा। वहाँ जे हुई और डिटेक्टिव्स को ये तो पता था कि कल्प्रिट कौन है, मगर ना तो उनके पास सीसीटीवी कैमरा था ना ही कोई ऐसी वीडियो थी जिससे कुछ भी प्रूव हो सके। विटनेस और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो भी हॉस्पिटल में था। अब शिन योंगू एक बड़े ग्रुप का वाइस चेयरमैन था तो इतने छोटे से एविडेंस पे इन्हें वारंट नहीं मिलता। ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर इन्हें कार मिल जाए तो शायद कुछ बांध पहने। इतने में उन्हें एक कॉल आती है जिसमें कोई उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि वो गाड़ी किस गैराज में पड़ी है। इन्हें वारंट नहीं मिलता क्योंकि कोई प्रोसिक्यूटर इतने बड़े आदमी के केस में अपना हाथ नहीं डालना चाहता। जे हुई एक प्रोसिक्यूटर को जानती थी जिसका उसे भरोसा था, वो वारंट बनाकर जरूर दे। ये है प्रोसिक्यूटर छा दो वॉन। लोग इसे चैटर बॉक्स भी बुलाते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बोलता है। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बोलता है। ये 3 साल पुरानी हिस्ट्री जानने के लिए 100 साल पीछे चला जाता है, जिससे इसका स्टाफ तो तंग है ही, साथ में क्रिमिनल भी परेशान हो जाते हैं। ये दोनों दोहन के साथ काम करते हैं। सो नाउ वी हैव शामन टीम, डिटेक्टिव टीम और प्रोसिक्यूशन टीम। दोहुन बिना कोई सवाल किए जे हुई को शिन योंगू के खिलाफ वारंट बना कर दे देता है। वारंट इश्यू होने से 1 मिनट पहले कोई योंगते को उस गाड़ी का कैमरा भी दे जाता है, जिसमें सब कुछ दिख जाता है कि किस तरह से शिन योंगू ने पहले उस बंदे को हिट करा और फिर एविडेंस को मिटाने की कोशिश की। अब तो पुलिस के पास एविडेंस और वारंट दोनों ही चीजें थी, इसीलिए पूरा का पूरा मेजर क्राइम्स डिपार्टमेंट नंबर 7 जाता है शिन योंगू को अरेस्ट करने के लिए। वहां ऊपर हांजुन भी खड़ा होता है जो योंगू से कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम अपना मुंह बंद रखे, बाकी सब वो खुद ही हैंडल कर लेगा। जे हुई ये देखकर बहुत गुस्सा होती है कि ये शामन सब जानते हुए भी क्रिमिनल की मदद कर रहा है। वो उसे काफी ज्यादा सुनाती है और हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जे हुई जब छोटी थी तब हांजन ऑलरेडी एक अच्छा ऑफिसर था। वो उसे ट्रेनिंग लेती थी और अपने आइडल मानती थी। वो खुद भी बड़े होकर उसी की तरह एक अच्छी ऑफिसर बनना चाहती थी। केस की तरफ वापस आए तो डिटेक्टिव टीम ने शिन को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन वहाँ हांजन आ जाता है जो बोलता है कि लॉ के अकॉर्डिंग ये कैमरा उन्हें सर्च वारंट इशू होने से पहले मिला है, तो सर्च की परमिशन मिलने से पहले अगर कोई सबूत मिला है तो वो इनवैलिड कहलाएगा, ये लोग योंगू को अरेस्ट नहीं कर सकते। पता नहीं कैसा लॉ हुआ। जे हुई और दो जन ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी एंड वो लोग कुछ भी करके शिन योंगू को पकड़ना चाहते थे।
हेचुन जाकर इंटरनल इंस्पेक्टर से मिलती है ये बताकर कि वो ग्योंहू की तरफ से आई है। वो उसे किसी पुराने केस की याद दिलाती है, पहले भी इस इंस्पेक्टर ने शिन को उस केस से बचा लिया था। अगले दिन हांजुन एक स्क्रीन पे हेजुन और सोचुल से डिस्कस कर रहा होता है उनके अगले मूव के बारे में। वो लोग एक प्लान भी बनाते हैं मगर उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए। ये तीनों घर के बाहर चले जाते हैं और जोनाथन भी कैफे की कीज को बाहर छुपाकर चले जाता है। जेहू ये सब दूर से देख रही होती है और जैसे ही ये लोग चले जाते हैं वो घर में घुस जाती है और सब कुछ देखने लगती है। उसे स्क्रीन पर वही केस की डिटेल्स दिखती है जहां स्क्रीन के बीचों बीच उसे हान जे जोंग नाम के एक आदमी की डिटेल्स दिखती है जिसे वो उप्पा बोलकर बुलाती है। ये एक प्रोसिक्यूटर था एंड सीम्स लाइक ये इंसान जे हुई का भाई है। हमें पता चलता है कि किसी चोई योम स्योप नाम के आदमी ने जे हुई के भाई को पुलिस से छुड़वाया था लेकिन बाहर आते ही इस इंसान ने जेहुई के भाई को ही मार डाला। वो और कुछ देख पाती तीनों वापस आ जाते हैं। वो हांजुन के रूम में ही छुप जाती है। जिस जगह वो छुपी थी हांजुन वहां का डोर खोलता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फिलहाल ये ड्रामा ऑन एयर है तो जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आएंगे हम उसकी वीडियो भी अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम और भी वीडियो जल्दी बनाकर अपलोड कर सकेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।